जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैट्रिसेस के बारे में। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है, इसका ऑर्डर क्या होता है, इसका हम लोग एडिशन कैसे करते हैं, सबट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, और उसके बाद हम लोग इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स जो होता है ये एक रेक्टेंगुलर एरे होता है। एरे मतलब अरेंजमेंट होता है। मैट्रिक्स क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है जिसमें हम लोग नंबर्स को, फंक्शंस को रखते हैं। नंबर्स में आपके रियल नंबर भी आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी आते हैं, और फंक्शन में आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शन हो सकते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, अलजेब्रिक फंक्शन हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, मतलब जितने भी फंक्शन होते हैं सब हम लोग इस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में रख सकते हैं, नंबर्स में, चाहे रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो। ठीक है, जैसे आप कोई मैट्रिक्स लिखते हो तो इस तरह लिखते हो, आपने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। कैसे होता है? देखो भाई, अगर आप इस वन को इस 3 से मिला दो, इस 3 को 9 से मिला दो, इस 9 को 7 से मिला दो, और इस 7 को 1 से मिला दो, अगर इसके कॉर्नर वाले नंबर्स को हम लोग एक दूसरे से मिला दें तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल बन जाता है, एक आयत बन जाता है। ठीक, तो इस तरह से हम लोग बोलते हैं कि मैट्रिक्स जो होता है वो एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, एक ऐसी व्यवस्था होती है जो आयताकार होती है, और इसमें हम लोग या तो नंबर्स को रखते हैं या तो फंक्शंस को रखते हैं। नंबर्स में आपने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैंने रख दिया, या फिर यहीं पर हो जाता लॉग एक्स, है ना, लॉग वाई, लॉग जेड, ऐसा हो जाता, या साइन थीटा, कॉस थीटा भी रख सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपके पास कोई अरेंजमेंट है जिसके अंदर आप नंबर्स को, फंक्शंस को रख सकते हैं, तो उसको आप बोलोगे क्या? मैट्रिक्स बोलोगे। ठीक है, इतनी बात तो आप समझ गए होंगे कि मैट्रिक्स जो होता है वो एक रेक्टेंगुलर एरे होता है, नहीं, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है जिसमें हम लोग नंबर्स को या फंक्शंस को रखते हैं। ओके, चलिए, इसकी ज़रूरत हमें कहाँ पड़ती है? इसकी ज़रूरत हमें लगभग हर जगह पे पड़ती है। ठीक है, जैसे आप रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, आप देखते हैं कि एक डिजिटल बोर्ड चलता है, पहले तो लिख के आता था, अब डिजिटल बोर्ड चलता है, वहाँ पर लिखा रहता है ट्रेन नंबर या ट्रेन का नाम लिखा रहता है, फिर अराइवल लिखा रहता है, डिपार्चर लिखा रहता है, आने का समय, जाने का समय, ट्रेन नंबर, तो वहाँ भी एक मैट्रिक्स आपको दिखेगा, वहाँ भी एक मैट्रिक्स दिखेगा। मैट्रिक्स मतलब ये होता है कि कोई भी एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होगा जिसमें आप कोई भी डेटा कलेक्ट करके रख सकते हैं। ठीक है, तो कम से कम शब्दों में आप किसी बात को अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप मैट्रिक्स का यूज कर सकते हैं। इसका यूज कंप्यूटर में होता है, फिजिक्स में होता है, हम लोग इसका यूज लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने में करते हैं। लीनियर इक्वेशंस जैसे 3x + 5y + 3z = 0, इस तरह के अगर इक्वेशन आपको मिल जाएँ वहाँ भी आप मैट्रिक्स का यूज करके उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये तो होगी बात मैट्रिक्स के बारे में, छोटी सी बात। अब हम लोग बात करते हैं कि मैट्रिक्स के रोज़ क्या होते हैं और कॉलम क्या होते हैं, यानी पंक्तियाँ क्या होती हैं और स्तंभ क्या होते हैं। तो मैट्रिक्स में जो हॉरिजॉन्टल रिप्लेसमेंट होता है, हॉरिजॉन्टल मतलब बिल्कुल पड़ी हुई लाइन, अगर पड़ी हुई लाइन में जो भी नंबर्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं रोज़। क्या बोलते हैं? रोज़ बोलते हैं। ठीक है, ये एक हॉरिजॉन्टल रिप्लेसमेंट है, ये भी एक हॉरिजॉन्टल रिप्लेसमेंट है, ये भी एक हॉरिजॉन्टल रिप्लेसमेंट है। ठीक है, तो ये भी रो हो गया, ये भी रो हो गया, ये भी रो हो गया, मतलब ये रो है, ये पंक्ति है, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं पंक्ति 1 R1, इसको बोलेंगे R2, इसको बोलेंगे R3। ठीक है ना, जो भी हॉरिजॉन्टल रिप्लेसमेंट होते हैं उनको हम लोग रोज बोलते हैं। ठीक है, पड़ी हुई लाइन में जो भी नंबर्स आएंगे वो पंक्तियों में आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो वर्टिकल रिप्लेसमेंट होती हैं, आप बिल्कुल 1 4 7 की बात करें, 2 5 8 की बात करें, 3 6 9 की बात करें, तो ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल रिप्लेसमेंट में है, मतलब ऊर्ध्वाधर लिखी गई हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसको आप लिखेंगे C1, इसको लिखेंगे C2, इसको लिखेंगे C3। बात आई समझ में? जो हॉरिजॉन्टल रिप्लेसमेंट होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं रोज, जो वर्टिकल रिप्लेसमेंट होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं कॉलम। ठीक, अब अगर हम बात करें ऑर्डर की, किसकी ऑर्डर की? ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करें तो देखो क्या करना होगा आपको, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ रोज़ की बात करते हैं, उस मैट्रिक्स में कितने रोज़ हैं उसकी बात करनी है, इनटू लगाना है, एंड नंबर ऑफ
कॉलम्स की बात करनी है, किसकी बात करनी है, कॉलम्स की बात करनी है, ठीक है। अब जैसे इसी मैट्रिक्स की बात करें तो इस मैट्रिक्स में कितने रोज़ हैं, एक दो तीन, कितने रोज़ हैं, तीन, तो तीन लिख लूँ। कितने कॉलम हैं, एक दो तीन, तीन कॉलम हैं तो आप तीन लिख लूँ। ये हो गया इस मैट्रिक्स का आर्डर। पहले आपको क्या करना है, नंबर ऑफ रोज़ को लिखना है, कितनी पंक्तियाँ हैं उनको लिखना है, इनटू का साइन लगाना है, फिर कितने कॉलम हैं उनको लिखना है। तो ये मैट्रिक्स जो है आपका है, ये क्या है, थ्री क्रॉस थ्री का है। वैसे बेसिकली नंबर ऑफ़ रोज को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल एम से, और नंबर ऑफ़ कॉलम को डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। तो किसी भी मैट्रिक्स का आर्डर आप एम क्रॉस एन से डिनोट करेंगे। एम क्या है, नंबर ऑफ़ रोज है, एन क्या है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स है। कोई मैट्रिक्स हो, जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स आपको ये दे दिया गया 1 2 3 4 5 6, ठीक, ये दे दिया गया। तो आप सबसे पहले ये पता करेंगे कि इस मैट्रिक्स में कितने रोज़ हैं, कितने पंक्तियाँ हैं। तो ऐसे हॉरिजॉन्टल रिप्लेसमेंट देखना है, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो इसमें कितनी पंक्तियाँ हैं, दो पंक्तियाँ हैं, यानी एम की वैल्यू कितनी हो गई, दो हो गई। अब बात करनी है नंबर ऑफ़ कॉलम्स की, तो वर्टिकल रिप्लेसमेंट कितने हैं, एक है, दो है, तीन है, तीन हो गए, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, तीन आ गई। तो अगर आप एम क्रॉस एन की वैल्यू निकाल रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, 2 × 3। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो कितना है, 2 × 3 का है। ये मैट्रिक्स क्या है, 2 × 3 का है। हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑर्डर को लिखते समय सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक्स में कितनी रोज़ हैं उनको लिखेंगे, इनटू फिर कितने कॉलम हैं उनको लिखेंगे, ठीक। मैट्रिक्स का ऑर्डर एम क्रॉस एन से डिनोट करते हैं। अगर मैं कहीं लिखता हूँ यम, तो आप समझ जाइएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि किसी भी मैट्रिक्स में कितने रोज़ हैं। अगर मैं कहीं लिख रहा हूँ एन, तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि उस मैट्रिक्स में कितने कॉलम है, ठीक। तो यम रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ़ रोज़ को, एन रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ़ कॉलम्स को। आई बात समझ में, इतनी बात। अच्छा, यहाँ से किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको ऑर्डर पता है, किसी मैट्रिक्स का आपको ऑर्डर पता है, तो आप ये पता कर सकते हैं कि उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं। मैट्रिक्स के अंदर जिन नंबर्स को, जिन फंक्शन को हम लोग रखते हैं, उनको बोला जाता है एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स का एलिमेंट। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है, इस मैट्रिक्स के ये एलिमेंट हैं, ये क्या है, एलिमेंट है। तो अगर आपको किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर पता है, तो आप उसकी हेल्प से ये बता सकते हो कि उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं। जैसे इस मैट्रिक्स की बात करें, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 × 3 है, दोनों का मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 9 आएगा। तो इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे, 9 एलिमेंट होंगे, 9 अवयव होंगे। देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हैं, 9 हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको ऑर्डर पता है, तो उनका मल्टीप्लाई करके आप ये बता सकते हो कि उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे। जैसे इसकी बात करें, इसका ऑर्डर है 2 × 3, 2 × 3 कितना आएगा, 6 आएगा, और आप देख सकते हो इसमें कितने एलिमेंट हैं, 6 एलिमेंट है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर निकाल सकते हो, अगर आपको ये पता हो जाए कि उसमें कितने हॉरिजॉन्टल रिप्लेसमेंट हैं, कितने वर्टिकल रिप्लेसमेंट हैं। तो आप पहले नंबर ऑफ़ रोज़ को लिखोगे इनटू नंबर ऑफ़ कॉलम को लिख दोगे, वही उस मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। अगर आप ऑर्डर का मल्टीप्लाई कर लेते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं, ठीक है। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में, यानी आप अव्यूहों को कैसे जोड़ेंगे, कैसे उनको घटाएंगे, या उनका अंतर निकालेंगे। सब्ट्रैक्शन की जगह पर आप डिफरेंस भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। डिफरेंस कैसे आप उनका डिफरेंस निकालेंगे, या कैसे आप उनको घटाएंगे, ठीक। तो इसके लिए एक ही कंडीशन है कि अगर दो मैट्रिक्स हैं, तीन मैट्रिक्स हैं, चार मैट्रिक्स हैं, जितनी मर्जी उतनी मैट्रिक्स ले लो आप, सबके ऑर्डर सेम होने चाहिए। सबके ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। मतलब अगर कोई मैट्रिक्स ए है, अगर कोई मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर 2 × 2 का है, 2 × 2 का है, और दूसरा मैट्रिक्स बी है, इसको आप जोड़ना चाहते हैं, तो इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2 × 2 होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि कोई मैट्रिक्स ए है, कोई मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर 3 × 3 है, और एक मैट्रिक्स है बी, इसका ऑर्डर है 3 × 2, तो आप इन दोनों को जोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते, क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, इन दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है। ऐसा क्यों होता है, ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि जब ऑर्डर सेम नहीं होगा तो क्यों नहीं जोड़ सकते, क्यों नहीं घटा सकते, ठीक है। देखो भाई, हमने एक मैट्रिक्स ले लिया ए, इसमें हमने एलिमेंट लिया 1 2 3 4, बिल्कुल छोटा सा बता रहा हूँ। दूसरा मैट्रिक्स मैंने लिया बी, इसमें मैंने लिखा 0 5 7 8, ठीक है ना। ये दो मैट्रिक्स हमने ले लिए, इन दोनों को हमें क्या करना है, जोड़ना है। सबसे पहले आप चेक करोगे कि इन दोनों का ऑर्डर क्या है, तो इसमें 1 2 1 2, इसमें पंक्तियाँ कितनी हैं, दो हैं, अष्टम कितने हैं, यानी कॉलम कितने हैं, दो हैं। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2 × 2 हो गया। इसमें देखो, इसमें एक रो, दो रो, यानी दो रो हैं,
और कॉलम्स कितने हैं, दो हैं, तो इसका भी ऑर्डर 2x2 है, इसका भी ऑर्डर 2x2 है, यानी दोनों का ऑर्डर सेम है, तो इनको हम जोड़ सकते हैं, इनको हम घटा भी सकते हैं। ठीक, तो जोड़ दीजिए, आप लिखोगे ए प्लस बी। अब ए प्लस बी करते समय आपको ध्यान में क्या रखना है, ध्यान में क्या रखना है, हम लोग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ने का मतलब है, इस मैट्रिक्स में अगर हम देखें तो ये पहला एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट है, तीसरा है, ये चौथा है। इसमें देखें तो ये पहला एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट है, तीसरा है, ये चौथा है। तो पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट में जोड़ना है, दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में जोड़ना है, तीसरे एलिमेंट को तीसरे एलिमेंट में जोड़ना है, चौथे एलिमेंट को चौथे एलिमेंट में जोड़ना है, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है, तो 1 को 0 में ऐड करोगे 1 आएगा, 2 को 5 में ऐड करोगे 7 आएगा, 3 को 7 में ऐड करोगे 10 आएगा, 4 को 8 में ऐड करोगे तो 12 आएगा, ये भी 2x2 का मैट्रिक्स आएगा। ये हो गया आपका एडिशन। दो मैट्रिक्स को आप ऐसे जोड़ोगे, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ लेना। पहले आपको ये चेक करना होगा कि क्या उन दोनों का ऑर्डर सेम है। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स आपको दिया जाए 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है ना, और एक मैट्रिक्स आपको दिया जाता है 1, 0, 5, 7, 8, 9, 2, 1, 7, मान लो 7 है, ठीक है ना, ये 7 है। अब आपको इन दोनों को ऐड करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए आप सबसे पहले क्या देखोगे, सबसे पहले आप देखोगे कि इन दोनों का ऑर्डर सेम है कि नहीं। ठीक, इन दोनों का ऑर्डर सेम है कि नहीं, तो इसमें कितने रोज़ हैं, 1, 2 रोज़ हैं। कॉलम्स कितने हैं, 1, 2, 3, तो इसका ऑर्डर हो गया 2x3। इसमें देखो 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम हैं, तो इसका ऑर्डर हो गया 3x3। तो ऑर्डर तो सेम नहीं है, तो जुड़ना नहीं चाहिए। क्यों नहीं जुड़ना चाहिए, देखो मैंने आपसे कहा कि जब आप किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को जोड़ते हो तो क्या करते हो, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ते हो। इसका फर्स्ट एलिमेंट ये हो गया, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये, सिक्स्थ ये, है ना, इसका पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पाँचवा ये, छठवां ये, सातवां, आठवां, नौवां, है ना। पहले को तो पहले से जोड़ दिया, ठीक, दूसरे को दूसरे से जोड़ दिया, तीसरे को तीसरे से जोड़ दिया। चलो जोड़ के लिखते हैं, 1 को 1 में ऐड किया 2 आएगा, 2 को 0 में ऐड किया 2 ही आएगा, 3 को 5 में ऐड किया तो 8 आएगा, 4 को 7 में ऐड करोगे तो 11 आएगा, 5 को 8 में ऐड करोगे 13 आएगा, और 6 को 9 में ऐड करोगे तो 15 आएगा। हो गया, अब इस 2 को कहाँ ऐड करोगे, इस 1 को कहाँ ऐड करोगे, इस 7 को कहाँ ऐड करोगे, इसमें तो है ही नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि जब मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम ना हो, अगर मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम नहीं है तो आप उनको जोड़ नहीं सकते, मतलब यहाँ ए प्लस बी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 2x2 को ऐड करके दिखाया, आप 3x3 का मैट्रिक्स ले सकते हो और उनको क्या करोगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ते हुए जाना है, जोड़ने में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अगर इसी में हमको क्या करना होता, सब्ट्रैक्शन करना होता, यानी डिफरेंस निकालना होता, तो हम लोग क्या करते, कुछ नहीं करना है। अगर यही मैट्रिक्स ए है, यही मैट्रिक्स बी है और आप निकालना चाहते हो ए माइनस बी, तो जैसे आपने क्या किया है, जैसे हमने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ा है वैसे ही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटा दीजिए। तो ए में से बी को माइनस कर रहे हो तो इस वाले मैट्रिक्स के जो एलिमेंट होंगे उनमें से इस वाले मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को माइनस करना है। ठीक, तो 1 में से 0 को माइनस करोगे तो 1 ही आएगा, 2 में से 5 को माइनस करोगे तो -3 आएगा, 3 में से 7 को माइनस करोगे तो -4 आएगा, और 4 में से 8 को माइनस करोगे तो -4 आएगा। ये हो जाएगा आपका ए माइनस बी। ए प्लस बी और ए माइनस बी निकालने के लिए दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, उसके बाद आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ोगे या करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटाओगे। ठीक, यही काम करना है। अगर आपको बी माइनस ए निकालना होता तो इस वाले मैट्रिक्स के जो एलिमेंट हैं उनमें से इस मैट्रिक्स के एलिमेंट को आप माइनस करते, जैसे 0 में से 1 को माइनस करते, 5 में से 2 को माइनस करते, 7 में से 3 को माइनस करते, 8 में से 4 को माइनस करते। ठीक है, तो ये तो हो गया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन के बारे में, यानी अगर आप भी को जोड़ते हैं तो आप कौन कौन सी प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो। ठीक, सबसे पहली बात, जो एडिशन होता है मैट्रिक्स का, जो एडिशन होता है वो कामुटेटिव होता है, कामुटेटिव होता है, यानी कि एडिशन में कामुटेटिव लॉ होल्ड करता है। कामुटेटिव को हिंदी में बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। जैसे आपके पास कोई मैट्रिक्स अगर ए है और एक मैट्रिक्स आपके पास बी है, तो चाहे ए को आप बी में जोड़िए, चाहे बी को आप ए में जोड़िए, मतलब चाहे ए प्लस बी निकालिए चाहे बी प्लस ए निकालिए, दोनों ही चीज़ें एक दूसरे के इक्वल होती हैं। ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, बी प्लस ए। क्रम विनिमय, क्रम को अगर बदल दिया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का एडिशन निकालते हो, जैसे चाहे आप 2+5 करो तब भी 7 आएगा, चाहे 5+2 करो तब भी 7 आएगा। ठीक, तो वही है, ए प्लस बी करो तब भी जो रिजल्ट आएगा
बी प्लस ए करो तब भी जो रिजल्ट आएगा दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो पहला तो कमुटेटिव होता है, आप चाहो तो दो मैट्रिक्स ले सकते हो, उनको आप जोड़ के देख सकते हो। सेकंड जो प्रॉपर्टी होती है इसकी वो होती है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है एडिशन में, ठीक है, मतलब साचर्य नियम होता है। जैसे चाहे आप ए प्लस बी निकाल के फिर उसमें सी जोड़ो, और चाहे आप बी प्लस सी निकाल लो फिर उसमें ए जोड़ो, दोनों ही कंडीशन में आंसर इक्वल आता है। अगर तीन मैट्रिक्स आपके पास हैं ए बी सी, तो आप चाहे ए और बी को पहले जोड़ लीजिए बाद में सी को जोड़िए, चाहे बी और सी को पहले जोड़ लीजिए बाद में ए को जोड़िए, दोनों ही कंडीशन में आंसर आपके क्या आएंगे, सेम आएंगे। एडिशन की बात हो रही है तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि ऑर्डर तो सेम होगा ही, ऑर्डर तो सेम होगा, है ना, ऐसा नहीं है कि ऑर्डर अलग अलग हो। ठीक, तो एडिशन क्या होता है, कम्यूटेटिव भी होता है और एसोसिएटिव भी होता है। थर्ड वाले की बात करें, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपके पास मान लो कोई मैट्रिक्स ए है, आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक, अब उस मैट्रिक्स में ऐसा क्या जोड़ दें कि वापस वही मैट्रिक्स आ जाए। जैसे आपके पास कोई नंबर है टू, इस टू में क्या जोड़ें कि वापस हमें टू मिले, तो आप बोलोगे कि जीरो जोड़ दीजिए आपको टू मिल जाएगा। ठीक, तो ये जीरो क्या होगा, ये जीरो होगा इस टू का एडिटिव आइडेंटिटी, ये जीरो क्या होगा, ये इस टू का क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी बात समझ में आई। ऐसे ही मैं कह दूं मेरे पास थ्री है, क्या जोड़ दूं मुझे वापस थ्री मिल जाए, तो जीरो जोड़ दो वापस मिल जाएगा थ्री, तो ये जीरो क्या हो जाएगा, ये जीरो इस थ्री का क्या हो जाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी। ऐसे मल्टीप्लीकेशन में भी हो सकता है, मेरे पास अगर टू है और मैं इस टू में कितने का मल्टीप्लाई कर दो कि मुझे वापस टू मिल जाए, तो आप बोलोगे कि वन का मल्टीप्लाई कर दो वापस आपको टू मिल जाएगा, तो ये वन क्या हो जाएगा, वन इस टू का क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि अगर आप मैट्रिक्स का एडिशन कर रहे हैं तो उसमें एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगा, उसमें आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पर मैंने टू में जीरो जोड़ा तो वापस टू मिल गया, ऐसे ही कोई मैट्रिक्स आपके पास ए है, इस मैट्रिक्स में हम क्या जोड़ें कि वापस हमें मैट्रिक्स ए मिल जाए, तो इसका आंसर है इसमें हम जीरो मैट्रिक्स को अगर ऐड कर दें तो वापस हमें क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो जीरो प्लस ए। यहाँ पर ये जीरो एलिमेंट नहीं है, जीरो क्या है, जीरो जीरो मैट्रिक्स है। इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जब मैं आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताऊंगा। ठीक, तो एक मैट्रिक्स अगर आपके पास ए है, उस मैट्रिक्स में आप कौन सा मैट्रिक्स ऐड कर दो कि वापस आपको ए मैट्रिक्स मिल जाए, तो हम कहेंगे उसमें हम जीरो मैट्रिक्स ऐड कर देंगे तो वापस हमें क्या मिल जाएगा, ए मैट्रिक्स मिल जाएगा, और यही जीरो क्या होगा, इस ए का एडिटिव आइडेंटिटी होगा। ठीक, तो एडिशन में एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, नंबर फोर की। फोर है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स ये क्या होता है, अभी मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया कि कोई मैट्रिक्स अगर आपके पास ए है, उस ए में आप क्या जोड़ दो वापस आपको ए मिल जाए। ठीक, अब इसका उल्टा होगा, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, कोई मैट्रिक्स ए है, इस ए में मैं क्या जोड़ दूं कि मुझे वापस जीरो मैट्रिक्स मिल जाए। क्यों, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि वही मैट्रिक्स आपको वापस मिलनी चाहिए। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि उस मैट्रिक्स में आप क्या जोड़ दो कि उसका एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, मतलब जीरो आ जाए। अगर जोड़ की बात कर रहे हैं तो ए में क्या जोड़ दें कि वापस हमें जीरो मिल जाए, तो हम बोलेंगे कि अगर ए में हम माइनस ए जोड़ दें, माइनस ए जोड़ दें तो हमें जीरो मैट्रिक्स मिल जाएगा। ए में अगर हम क्या करें, माइनस ए जोड़ दें, जैसे टू है आपके पास, टू है, इस टू में हम क्या जोड़ दें कि हमें जीरो मिल जाए, तो कहोगे माइनस टू जोड़ दीजिए आपको जीरो मिल जाएगा, है ना। तो ए में हम क्या करें, माइनस ए को अगर जोड़ दें तो हमें जीरो मिल जाएगा, या फिर इसको आप ऐसा भी ले सकते हो माइनस ए प्लस ए। ठीक है ना, यहां पर जो माइनस ए है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स। और ये जीरो के बारे में तो आप जानते ही हैं, ये जीरो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, उस मैट्रिक्स में हम क्या जोड़ दें कि वापस हमें क्या मिल जाए, एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए, यानी जीरो मैट्रिक्स मिल जाए,
तो हम ए में क्या करेंगे, माइनस ए को जोड़ देंगे, यही माइनस ए क्या होगा, इस मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स होगा। आई बात समझ में? अच्छा, ये माइनस ए एक्चुअली में होता क्या है, देखो अगर कोई मैट्रिक्स ए दिया गया है आपको 1 2 3 4, ठीक है ना, तो इसका माइनस ए क्या होगा, इसका माइनस ए हो जाता है माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो ये आ जाएगा माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, ये हो गया। इस माइनस ए को हम लोग बोलते हैं निगेटिव मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? निगेटिव मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स दिया गया था उसका हम लोग इसे क्या बोलते हैं, निगेटिव मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निगेटिव मैट्रिक्स बोलते हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स का जो निगेटिव मैट्रिक्स होता है वही उसका क्या होता है, एडिटिव इन्वर्स होता है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आपका है कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ, कैंसिलेशन को हिंदी में बोलते हैं निरसन नियम। क्या बोलते हैं? निरसन नियम। ये क्या होता है, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए, एक मैट्रिक्स है बी और एक मैट्रिक्स है सी, ठीक, अगर आपने ए प्लस बी निकाला और ए प्लस सी निकाला, ठीक, अगर ए प्लस बी निकाला और ए प्लस सी निकाला और दोनों अगर इक्वल आते हैं, ए और बी को जोड़ने पर जो मैट्रिक्स आती है वही ए प्लस सी को जोड़ने पर आती है, तो यहाँ से ए और ए कैंसिल हो जाते हैं और यहाँ से आपको मिलता है बी इक्वल टू क्या, सी। अगर ए प्लस बी बराबर ए प्लस सी है तो बी और सी दोनों आपस में बराबर होंगे। यहाँ पर हमने जो नियम लगाया है वो लगाया है लेफ्ट हैंड कैंसिलेशन लॉ। हमने क्या किया, हमने बाईं तरफ से ए को कैंसिल कर दिया। अगर ए प्लस बी और ए प्लस सी दोनों बराबर हैं तो ए को ए से आप काट सकते हो, बी बराबर सी हो जाएगा, यानी बी और सी दोनों जो मैट्रिक्स दी गई हैं वो दोनों इक्वल होंगे, ठीक। ऐसे ही अगर कहीं पर बी प्लस ए है इक्वल टू क्या है, सी प्लस ए है, तो आप ए को ए से काट सकते हो, यहाँ वापस आपको क्या मिल जाएगा, बी बराबर सी मिल जाएगा, और यहाँ आप लिखोगे क्या, राइट हैंड कैंसिलेशन लॉ। यानी कि आपने दाहिने तरफ से ए को कैंसिल कर दिया तो बी बराबर क्या आ गया, सी आ गया, ठीक। तो इस तरह से कैंसिलेशन लॉ भी काम करता है आपके एडिशन में। अगर ए प्लस बी बराबर ए प्लस सी दिया गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि भाई ए तो दोनों में है कोई बात नहीं, और बी को जोड़ने पर जो मैट्रिक्स आती है वही सी को जोड़ने पर आ रही है, इसका मतलब बी और सी क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक। तो इसको इस तरह से लिखा जाता है, इसको हम बोलते हैं कैंसिलेशन लॉ। इसमें आप बाएं से भी काट सकते हो और दाएं से भी काट सकते हो। बाएं से काटोगे तो बोलेंगे लेफ्ट हैंड कैंसिलेशन लॉ और दाएं से काटेंगे तो बोलेंगे राइट हैंड कैंसिलेशन लॉ। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, यानी अगर आपको दो मैट्रिक्स दिए जाएँ तो आप उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में भी आपको वीडियो मिल जाएगी, या फिर किनारे में आपको आई टैब दिखेगा, वहाँ पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करके आपको दिखाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैंने मल्टीप्लिकेशन पहले ही सिखा दिया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। मैं सिर्फ आपको यहाँ बताऊँगा कि आप मल्टीप्लिकेशन कब कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं, और दूसरी बात मैं आपको यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊँगा, ठीक है। चलो भाई, सबसे पहले अगर आपको कोई मैट्रिक्स दी जाए ए, इस मैट्रिक्स का अगर आर्डर है m क्रॉस n, अगर इस मैट्रिक्स का आर्डर क्या है m क्रॉस n, और एक मैट्रिक्स अगर आपको दी जाए b, एक मैट्रिक्स आपको दी जाए b, इस मैट्रिक्स का अगर आर्डर है n क्रॉस p, क्या है n क्रॉस p, तभी आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। कैसे, देखो फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स देखना है, क्या देखना है, नंबर ऑफ कॉलम्स देखना है, और सेकंड वाले मैट्रिक्स में आपको देखना है नंबर ऑफ रोज। फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स की बात करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, एन है। सेकंड वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज की बात करेंगे इसमें कितने हैं, एन है। अगर दोनों इक्वल आते हैं, आप
मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ कॉलम्स देखोगे, मैट्रिक्स बी में नंबर ऑफ रोज देखोगे। अगर दोनों इक्वल आते हैं तभी आप इनका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। फर्स्ट वाले में नंबर ऑफ कॉलम देखिएगा, सेकंड वाले में नंबर ऑफ रो देखिएगा। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो आप बिना किसी देरी के आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ए का बी में आप कर सकते हैं। ए का बी में मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ए बी आ जाएगा। अब ए और बी का आपने मल्टीप्लिकेशन किया है तो एक नया मैट्रिक्स आपको मिलेगा। उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? तो ऑर्डर के लिए फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ रोज़ हैं वो देख लो, सेकंड वाले मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ कॉलम हैं वो देख लो। तो इसमें यम है और इसमें यम पी है, तो इसका ऑर्डर आएगा यम क्रॉस पी। एक बार फिर से बता दूं, अगर आप ए और बी दोनों मैट्रिक्स आपको दिए गए हैं इनका मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हो तो फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में आप नंबर ऑफ कॉलम देखो, सेकंड वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज देखो। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो आप ए और बी का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको एक नया मैट्रिक्स मिलेगा। उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? फर्स्ट वाले में जितने नंबर ऑफ रोज हैं वो, सेकंड वाले में नंबर ऑफ कॉलम जो हैं वो, उन दोनों को एक साथ लिख दो एम क्रॉस पी आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि आपको एक मैट्रिक्स दिया गया ए, इसका ऑर्डर है 2x3। एक मैट्रिक्स आपको दिया गया बी, इसका ऑर्डर दिया गया है 3x2। ठीक है, क्या ए और बी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? चेक कर लो, फर्स्ट वाले में नंबर ऑफ कॉलम देखना है, सेकंड वाले में नंबर ऑफ रोज देखना है। दोनों अगर इक्वल आते हैं तो मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, अगर इक्वल नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता। तो फर्स्ट वाले में नंबर ऑफ कॉलम, सेकंड वाले में नंबर ऑफ रोज दोनों 3-3 हैं, इक्वल हैं, इसका मतलब आप ए बी निकाल सकते हो। ए बी निकाल लिया, कोई बात नहीं। ए बी निकालने के बाद जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा? तो उसका ऑर्डर भैया फर्स्ट वाले में कितने रोज हैं 2, सेकंड वाले में कितने कॉलम हैं 2, 2x2 का मैट्रिक्स बनेगा जब इन दोनों का आप गुणा करोगे। ठीक, ये बात समझ में आई। अब इसको थोड़ा उल्टा करके देखते हैं। ए का बी में मल्टीप्लिकेशन किया तो ए बी हो गया और इसका ऑर्डर है यम क्रॉस पी। क्या बी का ए में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं? चेक कर लो, बी का ए में मल्टीप्लिकेशन अगर आप करने जाओगे तो आपको देखना पड़ेगा कि बी में नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू ए में नंबर ऑफ रोज होने चाहिए। मतलब अगर आप बी का ए में मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हो, बी में ए का मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हो, तो पहले आप बी वाले को रख रहे हो तो बी वाले में पहले देखो नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं पी हैं, और ए वाले में नंबर ऑफ रोज कितने हैं एम है। क्या ये दोनों इक्वल हैं? इक्वल नहीं है, इसका मतलब बी ए पॉसिबल नहीं है। बात आई समझ में? तो जरूरी नहीं है कि जैसे आप नंबर्स में करते हो 2x3 कर दिया 6 आ गया, चाहे 3x2 कर दिया वो भी 6 आ गया। ठीक, ये नंबर्स में चल जाएगा लेकिन मैट्रिक्स में नहीं चलता है। 2x3 और 3x2 केवल नंबर्स में चलेंगे, मैट्रिक्स में नहीं चलेगा। ए बी तो आ सकता है, बी ए हर बार निकले ये जरूरी नहीं है। ठीक, तो मैंने आपको सिर्फ यहाँ पर ये बताया कि आप मल्टीप्लिकेशन कब कर सकते हो। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमेशा आपको, अगर आप ए में बी का मल्टीप्लाई करने जा रहे हो तो ए में नंबर ऑफ कॉलम देखोगे, बी में नंबर ऑफ रोज देखोगे। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो मल्टीप्लिकेशन आप कर दीजिए। अगर बी में ए का मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हो तो पहले बी में नंबर ऑफ कॉलम देखो और ए में नंबर ऑफ रोज देखो। अगर दोनों इक्वल आते हैं तो मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हो। ठीक है, अगर दोनों का ऑर्डर सेम है तो कोई लफड़ा है ही नहीं। दोनों का अगर ऑर्डर सेम है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ऑर्डर सेम नहीं है, इसका 2x3 था, इसका 3x2 है, ऑर्डर सेम नहीं है, तो ऑर्डर सेम नहीं है तो आप क्या देखोगे? अगर पहले वाले का आप ए को पहले रखते हो, बी को बाद में रखते हो, तो ए वाले का आप क्या देखोगे? कितनी स्तंभ हैं, और बी वाले में क्या देखोगे? कितनी पंक्तियां हैं। ठीक, इस तरह से आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। मल्टीप्लिकेशन आप कब कर सकते हो ये मैंने आपको बता दिया, कैसे करोगे इसके लिए मैंने आपको अलग से वीडियो बनाया है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो कम्यूटेटिव लॉ की बात करेंगे। कम्यूटेटिव की अगर बात करें तो मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता है। मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं कि ए बी इक्वल टू बी ए आ जाए। अभी मैंने आपको बताया नीचे कि ज़रूरी नहीं कि ए में आप बी का मल्टीप्लाई कर सकते हो तो बी में भी ए का मल्टीप्लाई कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये है कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता मल्टीप्लिकेशन में। ऐसा हो जाता है कि ए बी बराबर बी ए आ जाए, लेकिन हर बार आए ये ज़रूरी नहीं है। तो जनरली ये अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो कम्यूटेटिव नहीं होता है। सेकंड वाले की बात करें एसोसिएटिव की बात करें तो एसोसिएटिव होता है, बिल्कुल होता है। आप चाहे ए का बी में मल्टीप्लाई करके फिर सी में कीजिए,
चाहे आप बी का सी में मल्टीप्लाई कर लीजिए फिर ए में कीजिए, ये इक्वल आते हैं, इनमें कोई लफड़ा वाली बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो क्या होता है, वो आपका एसोसिएटिव होता है, कम्यूटेटिव नहीं होगा, एसोसिएटिव होगा, ठीक। थर्ड की बात करें, थर्ड में अगर हम बात करें तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब वितरण करना, ये वितरण नियम है। तो वितरण में क्या होता है, सिंपल सी बात है, आप ऐसे कर सकते हो, चाहे आप बी प्लस सी कर लो फिर ए करो, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा प्लस ए सी हो जाएगा। चाहे आप बी और सी को जोड़ लीजिए फिर उसमें ए का मल्टीप्लाई कीजिए, और चाहे आप क्या करिए, ए का बी में मल्टीप्लाई कर लीजिए, ए का सी में मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर दोनों को जोड़िए, तो ये क्या होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, मतलब कि मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पर जो ऑपरेशन लगा वो क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। तो मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बी पर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और सी पर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये ए इंटू बी प्लस सी क्या आएगा, ए बी प्लस ए सी आ जाएगा, ठीक है। इसको आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो, चाहे ऐसे लिखा हो, ए प्लस बी लिखा हो, यहाँ सी लिखा हो, तो इसको आप क्या करोगे, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है तो ये हो जाएगा ए सी प्लस क्या हो जाएगा, बी सी। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, मतलब ये है कि जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक। ओके, नंबर फोर की बात करें, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। अभी मैंने आपको बताया एडिशन वाले में क्या बताया मैंने आपको, एडिशन वाले में बताया एडिटिव आइडेंटिटी कैसे एग्जिस्ट करती है, इसमें मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी कैसे एग्जिस्ट करेगी, है ना, कैसे एग्जिस्ट करेगी। तो कैसे एग्जिस्ट करती है, क्या बोलेंगे भाई, सीधी सी बात है, मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि आप टू में क्या ऐड करो कि वापस टू मिल जाए, तो आपने कहा कि भैया इसमें जीरो जोड़ दें तो मुझे टू मिल जाएगा। ऐसे ही मैं आपसे बोलूं कि इस टू में कितने का मल्टीप्लाई करें कि वापस हमें क्या मिले टू मिले, तो वन का मल्टीप्लाई कर दोगे आपको वापस क्या मिल जाएगा, टू मिल जाएगा। वैसे ही अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए, तो उस ए में आप एक मैट्रिक्स ऐसी लीजिए जिसका मल्टीप्लाई करने के बाद आपको वापस ए मिल जाए, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। आई क्या है, आई ही तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। और इस आई को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये मैं आपको जब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताऊंगा तो वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होते हैं, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स आपके पास ए है, उसमें अगर आप आई मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर दो वापस आपको ए मिल जाए, तो यही आई क्या होगा, इस ए का मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी होगा। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। नंबर फाइव, अगर मान लो कि एक मैट्रिक्स आपके पास ए है, एक मैट्रिक्स आपके पास बी है, इन दोनों मैट्रिक्स का आपने मल्टीप्लाई किया, ए और बी का क्या किया, मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करने के बाद मान लो जीरो आ जाता है, जीरो मतलब जीरो मैट्रिक्स आ जाता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हैं। अगर ए और बी का मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जीरो मैट्रिक्स मिलता है तो इसका कतई मतलब नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है, इट डज नॉट मीन क्या ए इक्वल जीरो और बी इक्वल जीरो, इसका मतलब ये नहीं है कि या तो ए मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स होगा या तो बी मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि ए और बी का जब गुणा करो, जो मल्टीप्लाई करो, तो जीरो मैट्रिक्स आ जाए जबकि ए और बी दोनों जीरो ना हो। तो इसका मतलब ये नहीं होता, जैसे हम लोग जब नंबर्स की बात करते हैं, हम कहते हैं कि अगर ए बी इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब ये है कि या तो ए जीरो होगा या तो बी जीरो होगा, या तो ए वाला जीरो हो जाए तो ये जीरो है तो जीरो का जीरो बी में गुणा करोगे जीरो आ जाएगा, या तो बी वाला जीरो हो जाए, ये हम लोग नंबर्स में बोलते हैं। लेकिन मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, ये कतई ज़रूरी नहीं है कि ए और बी, अगर ए जीरो मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स का बी में मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आ जाएगा, अगर बी जीरो मैट्रिक्स है तो बी का ए में मल्टीप्लाई करोगे तब भी जीरो आ जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये कंडीशन कहीं दी गई ए बी बराबर जीरो तो हमेशा ए जीरो या बी जीरो होंगे, ऐसा भी हो सकता है कि ए भी जीरो ना हो और बी भी जीरो ना हो, ठीक है, तब भी दोनों का मल्टीप्लीकेशन जीरो आ सकता है, ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी है
अगर मान लो कि एक मैट्रिक्स आपके पास ए है, एक मैट्रिक्स आपके पास बी है और एक मैट्रिक्स आपके पास सी है। अगर आपने ए बी निकाला और ए सी निकाला, ये दोनों इक्वल आ गए। अगर आपने ए बी निकाला और ए सी निकाला, ये दोनों इक्वल आ गए, ठीक है। ए बी मतलब क्या, ए में बी का मल्टीप्लाई किया, ए सी का मतलब क्या है, ए में सी का मल्टीप्लाई किया। अगर ये इक्वल आ गए तो इसका मतलब ये कभी नहीं होता, इसका मतलब ये कभी नहीं होता कि बी इक्वल टू सी होगा। बात समझ में आ रही है? ये क्या है, ये कैंसिलेशन लॉ है। ये क्या है, कैंसिलेशन लॉ है। मतलब ये है कि अगर ए बी बराबर ए सी है तो इसका मतलब ये नहीं कि ए को ए से काट दीजिए और बी बराबर सी लिख दीजिए, ठीक, ऐसा नहीं होता। मल्टीप्लीकेशन में ज़रूरी नहीं है कि ए बी इक्वल टू ए सी आ गया है तो बी बराबर सी ही होगा, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक। तो ए बी इक्वल टू अगर ए सी है तो ए को ए से कैंसिल नहीं कर सकते, मतलब यह है कि बी इक्वल टू सी हो, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो मतलब यह है कि यहाँ पर कैंसिलेशन ला नॉट अप्लीकेबल, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन में कैंसिलेशन ला अप्लीकेबल नहीं होता है, एडिशन में होता है। एडिशन में मैंने आपको बताया ए से काट दिया, बी इक्वल टू सी आ गया था, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में अगर ए बी इक्वल टू ए सी दिया गया, दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन है ये। ए बी क्या है, ए और बी का मल्टीप्लीकेशन है। ए और सी क्या है, ए और सी मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन है। तो ए बी इक्वल टू ए सी है तो ए से ए कैंसिल नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर कैंसिलेशन ला होल्ड नहीं करेगा। तो दोस्तों बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। यानी अगर आपको दो मैट्रिक्स दिए जाएँ, मान लो एक मैट्रिक्स है ए, इसमें एलिमेंट है एक्स वाई जेड टी, ठीक है, और एक मैट्रिक्स है आपके पास बी, इसमें एलिमेंट है 1 5 2 7, ठीक है। तो हम कब बोलेंगे कि ए और बी ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं, कब हम इनको इक्वल दिखा सकते हैं, कब हम बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या हैं, इक्वल मैट्रिक्स हैं। तो तब आप बोलोगे जब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हों। पहली बात तो ये कि दो मैट्रिक्स इक्वल तभी हो सकती हैं जब उनका ऑर्डर इक्वल हो। अगर ये 2x2 का मैट्रिक्स है, इसमें दो पंक्तियाँ दो स्तंभ हैं, तो इसमें भी दो पंक्तियाँ दो स्तंभ होंगे, यानी 2 rows and 2 columns होने चाहिए। 2x2 का ये है तो वो भी होना चाहिए। दूसरी बात, अगर इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, अगर इनके संगत अवयव बराबर हैं, x अगर इस 1 के इक्वल आ जाए, y अगर 5 के इक्वल हो, z अगर 2 के इक्वल हो, t अगर 7 के इक्वल हो, तो हम बोल देंगे कि a इक्वल b, यानी ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। मतलब ये कि अगर x की वैल्यू 1 रख दी जाए, y की वैल्यू 5 रख दी जाए, z की वैल्यू 2 रख दी जाए, t की वैल्यू अगर 7 रख दी जाए, तो हम कहेंगे कि a मैट्रिक्स और b मैट्रिक्स दोनों क्या हैं, इक्वल मैट्रिक्स हैं। बात आई समझ में? तो अगर इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो जाएँ तो हम इन दोनों मैट्रिक्स को क्या बोल सकते हैं, इक्वल मैट्रिक्स बोल सकते हैं, ठीक। तो ये थी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। आई होप आपको मजा आया होगा वीडियो में। मैंने काफ़ी कुछ बेसिक बातें बताई जो हम लोगों को ध्यान में रखनी है। कभी कभी बहुत छोटी छोटी बातें दिमाग से निकल जाती हैं और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है या हम अटके रहते हैं, सोच नहीं पाते हैं। तो छोटी छोटी बातें ही दिमाग से निकलती हैं, बड़ी बात तो हम लोग ध्यान में रखते ही हैं, ठीक। तो इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियोज़ आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।